हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है क्वालिटी इन फैक्ट पर। दोस्तों, आज HPSC कॉलेज कैडर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि 3 अक्टूबर 2019 को हुआ था। तो दोस्तों, पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, ये कुछ घटनाएं हैं, आतंकवादी घटनाएं जो हुई है उसको आपने अरेंज करना था। पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016 को हुआ था। उसके बाद 18 सितंबर 2016 को उड़ी अटैक हुआ है। उड़ी अटैक के तुरंत बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई और SCO में भारत को पूर्ण सदस्यता मिली थी जून 2017 में। तो इसका ए करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है? दोस्तों, कूटनीति से भी हम अपनी नेशनल पावर को बढ़ाते हैं, अर्थव्यवस्था और यूज ऑफ मिलिट्री से भी, लेकिन विश्व संगठन में शामिल होकर हम अपनी नेशन पावर को नहीं बढ़ाते हैं। तो डी करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मृदु शक्ति सॉफ्ट पावर शब्द गढ़ने का श्रेय जोसेफ नाई को जाता है। ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से क्लासिकी यथार्थवाद की परंपरा की शुरुआत किसने की? क्लासिकल रियलिज्म स्टार्ट किया था थ्यूसीडाइडस ने। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। विश्व व्यापार संगठन WTO निम्नलिखित में से किस संस्थात्मक व्यवस्था का उत्तराधिकारी है? दोस्तों, WTO बना है GATT से, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स ये एक संस्था थी। GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, पराश्रितता सिद्धांत के प्रमुख तर्कों की पहचान कीजिए नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए, उसमें से आपने चुनना है। देखिए, डिपेंडेंसी थ्योरी में क्या होता है, पहला तो उपनिवेशों के विकास को श्वेत व्यक्ति के बोझ के रूप में देखा जाता है, व्हाइट मैंस बर्डन। श्वेत व्यक्ति का बोझ का मतलब क्या है कि श्वेत व्यक्ति जो है, गोरे लोग जो है, यूरोप के जो लोग हैं उनके ऊपर बोझ है कि वो अल्प विकसित देशों का विकास करेंगे। आप समझ रहे हो ना, वो बोलते कि हमारे ऊपर ये तो बोझ है कि हमें आप लोगों का विकास करना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहला तो ये है। तीसरी, दुनिया के देश प्राकृतिक संसाधन और सस्ते श्रमिक प्रदान करते हैं, तो ये तो नेचुरल सी बात है, वो करते हैं, इससे पराश्रितता का क्या लेना देना है, कुछ भी डिपेंडेंसी का इससे लेना देना नहीं, ये तो जनरल सी बात है। औद्योगिकरण और बाजार अर्थव्यवस्था विकास में सहायक है, ये भी जनरल सी एक स्टेटमेंट है, बिल्कुल औद्योगिकरण और बाजार अर्थव्यवस्था विकास में सहायक होती है, लेकिन डिपेंडेंसी तो यहाँ नहीं दिख रही है इन दोनों से। विकसित पश्चिमी देश विभिन्न संसाधनों से डिपेंडेंसी की स्थिति को बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही है। 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, 1 और 4, तो इसका डी करेक्ट आंसर है। खेल सिद्धांत से संबंधित अनुक्रम में से कौन सा है, मतलब जो हमारी गेम थ्योरी होती है उसका करेक्ट सीक्वेंस आपने बताना है। तो दोस्तों, गेम थ्योरी में क्या होता है, इसमें एक तो गेम का आप सिलेक्शन करते हैं। अब इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, डिप्लोमेसी से संबंधित है ये, पहले तो आप गेम का चयन करेंगे, खेल का चयन करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने गेम चयन किया है कि इकोनॉमिक हमने ट्रेड करना है, तो उसमें हम गेम खेलेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले गेम की सिलेक्शन की कि हमने इकोनॉमी में करना है। उसके बाद क्या है, खिलाड़ी हम देखेंगे कि कितने लोगों के साथ गेम करनी है, कितने लोगों के साथ इकोनॉमिक रिलेशन हमने बढ़ाने हैं, और उसके बाद हम इक्विलिब्रियम देखेंगे। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, आसियान प्लस थ्री कौन कौन से माने जाते हैं? दोस्तों, आसियान प्लस थ्री, एक तो PRC पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, दूसरा जापान और तीसरा दक्षिण कोरिया। तो इसका डी करेक्ट आंसर है, 58 का डी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था,
लेकिन अगर आपको इसमें से एक भी पता होता तो आप इसको इजीली कर पाते, ठीक है। सार्क एशियाई कृषि सूचना केंद्र, सार्क एशियाई कृषि सूचना केंद्र है बांग्लादेश में, ये है बांग्लादेश में। ओके, तो पहला है बांग्लादेश में, दूसरा है सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र है पाकिस्तान के अंदर। सार्क एशियाई तटीय प्रबंधन केंद्र, सार्क एशियाई तटीय प्रबंधन केंद्र है आपका मालदीव में, ये मालदीव में है। और सार्क एशियाई सूचना केंद्र है नेपाल के अंदर। तो इसका ए करेक्ट आंसर होना था 2143। क्वेश्चन नंबर 60, और ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था। इसमें प्रशासनिक सुधार आयोग जो आया था, प्रशासनिक सुधार आयोग, उसने जो रिपोर्टें दी है उसका क्रम आपने बताना था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो थर्ड रिपोर्ट थी, थर्ड रिपोर्ट जुड़ी हुई थी संकट प्रबंधन से, थर्ड रिपोर्ट संकट प्रबंधन से, फोर्थ रिपोर्ट जुड़ी हुई थी शासन में नैतिकता की बात की गई है फोर्थ में, तो थर्ड जो पांचवी जो आपकी रिपोर्ट थी ये जुड़ी हुई थी सार्वजनिक व्यवस्था से, पंचम जुड़ी हुई थी स्थानीय प्रशासन से और छठी जुड़ी हुई थी सार्वजनिक व्यवस्था के साथ। फिर कुछ एक बार फिर आप देख लीजिए, मुझे लग रहा थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तृतीय रिपोर्ट जुड़ी हुई थी संकट प्रबंधन से, ठीक है। चौथी जुड़ी हुई थी शासन में नैतिकता से, ओके। पांचवी जो रिपोर्ट जुड़ी हुई थी वो जुड़ी हुई थी सार्वजनिक व्यवस्था से, और छठी रिपोर्ट जुड़ी हुई थी स्थानीय प्रशासन से। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 2143, 2143, 2143 मीन्स बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, नौकरशाही तंत्र की बुराइयों से बचाव निम्नलिखित में से कौन से साधन से हो सकता है, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी में जो बुराइयां है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो अगर आप अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइजेशन करोगे, यानी अथॉरिटी भिन्न भिन्न लोगों के पास होगी, इससे भी ब्यूरोक्रेसी का दबदबा नहीं बढ़ेगा। न्यायपूर्ण एवं कुशल सेवा प्रबंधन से भी आप क्या कर सकते हो, ब्यूरोक्रेसी को अच्छा बना सकते हो। संसद एवं मंत्रिमंडल का प्रभावी नियंत्रण अगर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर होगा तो भी भ्रष्ट नहीं होगी ब्यूरोक्रेसी। लेकिन अगर आप अथॉरिटी का सेंट्रलाइजेशन करते हो उससे क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होगी और ब्यूरोक्रेसी तानाशाही बन जाएगी। तो 1, 2, 4 इसका करेक्ट आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, पद वर्गीकरण निम्नलिखित में से कुछ बिंदुओं पर आधारित होता है, जो रैंक क्लासिफिकेशन होती है किस आधार पर होती है। रैंक क्लासिफिकेशन, पहला तो ड्यूटीज आपकी जो है, जिसकी ज्यादा ड्यूटी होगी उसको हायर रैंक मिलेगा। उत्तरदायित्व तो भी आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ड्यूटी के साथ जुड़ी हुई है। और क्वालिफिकेशन अगर आपकी अच्छी है, आप क्वालिफाई हो उस पोस्ट के लिए, तो भी ये आपका रैंक क्लासिफिकेशन इन तीन चीजों पे होता है। तो इसका भी 1, 2, 4 करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता तो निर्णय के लिए किसके पास भेजा जाता है। तो ये भेजा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये बिल्कुल डायरेक्ट यहां पे क्वेश्चन आ गया था। उसके बाद निम्नलिखित में से किन देशों में अवशिष्ट शक्तियां राज्य इकाइयों में अंतर्निहित है, यानी जो रेजिडरी पावर है वो राज्यों में किसके पास है सेंटर को छोड़ के। जैसे इंडिया में सेंटर के पास है ना, तो किन किन राज्यों के पास, राज्यों में रेजिडरी
पावर है। तो सबसे पहला जो सिंपल सा है, हमें पता है, सभी को पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका स्विट्जरलैंड में, और ये ऑस्ट्रेलिया में भी रेजिडरी पावर राज्यों के पास है, सेंटर के पास नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से सहकारी संघवाद का लक्षण क्या है? सहकारी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का लक्ष्य क्या होता है? इसमें मजबूत केंद्र के आधार पर सहयोग प्राप्त किया जाता है। तो इसका बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसको गैब्रियल आमंड द्वारा हित समूहों की एक श्रेणी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नेट में भी कई बार पूछा गया है, तो आपने याद रखना है। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप, संस्थागत, उसके बाद इन्होंने एसोसिएशनल, संघीय सहचर्य, और उसके बाद नॉन एसोसिएशन, इन्होंने तीन भागों में बांटा है, लेकिन इन्होंने सपोर्टिंग इंटरेस्ट ग्रुप की बात नहीं की है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी की बात इन्होंने नहीं की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के आगतों और निर्गतों के बीच संबंधों का सूचक है? तो ये क्वेश्चन मैंने डाउट में रखा है, इसके ऊपर मैं अभी इसका कोई आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। अगर आपके पास कोई आंसर है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित निवेश कार्यों इनपुट फंक्शंस के सही क्रम को पहचानना है। अब ये इनपुट फंक्शन है, गैब्रियल आमंड का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती की जाती है, तो दो पहला आना था, दो जगह है। उसके बाद क्या किया जाता है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन किया जाता है, हित अभिव्यक्तिकरण किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका 4 आएगा, तो आंसर आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के बाद एग्रीगेशन, एग्री आप ऐसे याद रखना है, आर्टिकुलेट किया, एग्री मतलब आगे किया, एग्रीगेशन, ठीक है, एग्रीगेशन। और सबसे लास्ट में क्या किया जाएगा, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की? तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, एम एन रॉय ने क्या है, मार्क्स के अतिरिक्त मूल्यों की, भौतिकवादी जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन की है हिस्ट्री की, उसकी भी इन्होंने आलोचना की है। तो बी करेक्ट आंसर है। प्रदत्त व्यवस्थापन व्यवस्था से किसकी शक्ति सर्वाधिक वृद्धि हुई है? हुज पावर हैज इंक्रीज द मोस्ट फ्रॉम द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है कि जो काम संसद का था या फिर जो कार्य विधायिका का था, वो काम किसको दे दिया, ब्यूरोक्रेसी को दे दिया, तो प्रशासनिक विभाग की क्या है, इससे शक्ति में वृद्धि होती है। तो सी करेक्ट आंसर है। सकारात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब सकारात्मक भेदभाव क्या होता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो आप आरक्षण वगैरह देते हो, उसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी सुविधा वंचित समूह को उस स्तर तक पहुंचाना या उठाना जहां से वह समाज के अन्य वर्गों के बराबर प्रतिस्पर्धा में आ सके। तो बी करेक्ट आंसर है। नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल माना जाता है हर्बर्ट साइमन को, सॉरी मैक्स वेबर को। डी इसका करेक्ट आंसर है, मैक्स वेबर। लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या हासिल करने की चेष्टा करता है? लोक निगम यानी पब्लिक कॉरपोरेशन। आप दोस्तों इसमें देखो, पब्लिक भी जुड़ा है, कॉरपोरेशन भी जुड़ा है। पब्लिक कॉरपोरेशन वो होते हैं जो किसी स्टैट्यूट के थ्रू बनाए जाते हैं, संसद में किसी स्टैट्यूट के थ्रू बनाए जाते हैं, और पब्लिक के लिए ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। तो सार्वजनिक जवाबदेहता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण इसमें किया जाता है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट की बात करो तो प्राइवेट के अंदर क्या है, कारोबारी दक्षता ही देखी जाती है, लेकिन पब्लिक में सार्वजनिक जवाबदेहता भी देखी जाती है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी।
निम्नलिखित में से किसे कल्याण मूलक अर्थशास्त्र और सामाजिक वर्ण सिद्धांत के निरूपण का श्रेय जाता है? तो ये श्रेय जाता है अमर्त्य सेन को। ठीक है, वेलफेयर ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अमर्त्य सेन। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो सही है वो आपको यहाँ बताना है। तो इसमें सही बिल्कुल यहाँ पे, यदि वह अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए देना होगा। तो डी करेक्ट आंसर है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टोन ऑफ अ नेशन नामक पुस्तक के लेखक है ग्रैनविल ऑस्टिन। 20 बार कम से कम ये क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट एग्जामिनेशन में। निम्नलिखित में से किस आयोग ने उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की थी? तो ये अनुशंसा जो की थी वो की थी संविधान के कार्यान्वयन के पुनर्निरीक्षण का राष्ट्रीय आयोग। ए करेक्ट आंसर है इसका। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, संघीय राज्य व्यवस्था में क्या सम्मिलित है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, राज्यों के बीच समन्वय के लिए तंत्र, जैसे कि आप अंतर्राज्यीय परिषद देख सकते हो तो वह समन्वय के लिए बनाए, राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो ये चारों के चारों है, तो ए बी सी डी ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियों में आती है? विवेकाधीन मीन्स वो अपने विवेक से उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो इसके अंदर शक्तियां हैं, पहली तो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए प्रतिवेदन भेजना, ठीक है। दूसरी, अब देखो मंत्रियों की नियुक्ति वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, अपने विवेक से नहीं कर सकता है, उसके लिए मुख्यमंत्री की उन्हें सलाह लेनी पड़ेगी। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, बिल्कुल ये भी विवेकाधीन शक्तियों में आती है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, ये विवेकाधीन नहीं है। तो एक और तीन करेक्ट आंसर होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, कब होती है? ये न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम जब पूरा नहीं होता है तब की जाती है। तो एटी का डी करेक्ट आंसर है। पंचायती राज एक व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? स्थानीय स्तर के स्वशासन के लिए, अभिन्न संबंधों के साथ त्रिस्तरीय शासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए ये काम करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3, सी करेक्ट आंसर है। भारत के संदर्भ में मिश्रित राजनीति, मिक्स जो पॉलिटिकल कल्चर है, ये फ्रांसिस फ्रेंकल ने दिया है, तो बी करेक्ट आंसर है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध माना जाता है? तो ये एक 67 और दूसरा 83, दो ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने रिव्यू के लिए रखे हैं। आपको अगर आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। भारत में वित्त आयोगों के निम्नांकित अध्यक्षों को कालानुक्रम करना था, जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उनको अपने कालक्रम में लगाना था। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे इस लिस्ट के अनुसार बन रहे हैं, तो सबसे पहले थे एनकेपी सालवे के बाद जो आते हैं वो है एएम खुसरो, ठीक है। खुसरो के बाद आपके डॉक्टर सी रंगाराजन और डॉक्टर विजय केलकर सबसे लास्ट में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी 2, 1, 4, 3।
भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में होती है? कंटिजेंसी जो फंड है वो होती है राष्ट्रपति के अधिकार में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? अब देखो, भारतीय जनता पार्टी 1979-80 के बेस बनी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे सही है, ये 1998 में बनी है, तो बी करेक्ट आंसर इसका। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है मैच करने के लिए, कई बार ये पूछा गया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। द्वितीय मतदान सेकंड बैलेट सिस्टम कई बार पूछा गया है, ये फ्रांस के अंदर है, ठीक है। वैकल्पिक मत प्रणाली आपकी जर्मनी के अंदर है, और अतिरिक्त सदस्य प्रणाली आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। 3142 87 का बी। क्वेश्चन नंबर 88, किस आधार पर भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था के सदृश है? यानी भारत और अमेरिका का संघीय व्यवस्था कहाँ पे सेम है? ये सेम है न्यायपालिका की स्थिति। भारत ने जो न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट लिया है वो यूएसए से ही लिया है, यूएसए में जुडिशियल रिव्यू है, इंडिया ने भी वहीं से अडॉप्ट किया है, तो ये आपकी सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किस विचारक ने आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में नागर समाज की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? नागर मीन्स सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया F.W. हीगल ने, हीगल के बाद ग्राम्शी ने, कार्ल मार्क्स ने भी बात की है, लेकिन ग्राम्शी मेजर एक्सपोनेंट है उसके बाद नोम चॉम्स्की, तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा, W.F. हीगल। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो आपने यहाँ पे बताना है, तो जोहान गाल्टुंग लॉन्ग वॉक ऑफ पीस, ये इनकी बुक नहीं है, लॉन्ग वॉक ऑफ पीस एक संस्था ने प्रकाशित की थी। सूची एक को सूची दो के साथ आपने मिलाना था, और ये भी डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे समुदायवाद के साथ जुड़े हैं माइकल वॉल्जार, ठीक है, तो सी का एक करेक्ट आंसर होना था, तो यहाँ पे दो जगह है। उसके बाद व्यवहारवाद डेविड एप्टर, डी का दो, तो यहाँ पे है डी का दो। उसके बाद नव संस्थावाद के साथ जुड़े हैं डगलस सी नॉर्थ, और नव उदारवाद के साथ जुड़े हैं मिल्टन फ्रीडमैन, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ओके, 91 का करेक्ट आंसर बन गया ए। उसके बाद आगे देखते हैं, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? बहुत ही डायरेक्ट, हॉब्ज। हाँ, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है मैच करने के लिए, जितने भी मैच करने के लिए क्वेश्चन आए बहुत इजी है। शांति की बात करते हैं गांधी, गुफा का सादृश्य देते हैं प्लेटो, और स्वर्णिम संतुलन की बात करते हैं एरिस्टोटल। स्वर्णिम संतुलन यानी इन्होंने मिडल मीन्स की बात की थी, मध्य मार्ग की, और भाग्य के रूप में स्त्री की बात करते हैं मैक्यावली, तो 92 का जो करेक्ट आंसर है वो 93 का करेक्ट आंसर हमारे पास बन रहा है बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जे रूसो के अनुसार सही है? जे रूसो का जनरल विल के बारे में डी करेक्ट आंसर है, व्यक्तिगत स्वार्थपरता की तुलना में सामान्य इच्छा अधिक श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 95, सामाजिक संविदा के सभी सिद्धांतकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से जुड़े हैं उन्होंने क्या किया, सामाजिक सहमति के साथ लोक सत्ता का निर्माण करने की कोशिश की, पहले लोगों को एकजुट किया, लोगों को एकजुट करने के बाद लोगों के कंसेंट को इकट्ठा करके उन्होंने अथॉरिटी का निर्माण किया, भले लॉक हो, रूसो हो या हॉब्ज हो। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है विकल्प चयन की स्वतंत्रता, ठीक है। अब बाहरी बाधाओं का अभाव
अगर आप लोगे, दैट्स मीन आप क्या एक्सटर्नल बैरियर्स को ख़त्म कर रहे हो, ये तो लेजिस फेयर की नीति है, ये तो नेगेटिव लिबर्टी है, विधि की बाध्यताओं का अभाव, लैक ऑफ कंपल्शन ऑफ लॉ, अगर आपके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा वो भी तो नेगेटिव है, गैर हस्तक्षेप तो वैसे ही लेजिस फेयर है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता, एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास। उपयुक्त में से, उपर्युक्त में से यह कथन किस राजनीतिक विचारक का है, ये है एम के गांधी का, मोहनदास करमचंद गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है वो यहाँ पे आपने बताना था, तो हिंद स्वराज डेफिनेटली गांधी ने लिखी है, एम एन रॉय ने इंडियन ट्रांजिशन 1920s में लिखी है, 20s बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट आई थिंक 22 में है, आर डी भंडारकर हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, नो, ये जो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र ये लिखी है पांडुरंग वामन कोने ने, तो ये यहाँ पे गलत है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो सभी को पता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का कौन सा प्रमुख प्रावधान सही नहीं है, तो ये जो सही नहीं है वो है केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान दिया गया था, तो डी यहां पे बिल्कुल गलत हो जाता है। हाँ, ये केनेथ आर्गेंस्की के अनुसार राजनीतिक विकास की अवधारणाओं का सही क्रम आपने बताना था, अब देखो W.W. रोस्टॉव का जो चरणबद्ध मॉडल था वही चरणबद्ध मॉडल केनेथ आर्गेंस्की का है, तो दोनों देखो डेवलपमेंट से, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से और डेवलपमेंट से दो क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट आए थे। तो सबसे पहले केनेथ आर्गेंस्की क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो हमें देश का एकीकरण करना होगा, एकीकरण जब हो जाएगा तो उसके बाद औद्योगिकीकरण हम करेंगे, औद्योगिकीकरण के बाद राष्ट्रीय कल्याण के लिए हम चीज़ों को यूज करेंगे, और उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, प्रचुरता में बचेगा, जो प्रचुरता में बचेगा वो हम एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये है बी इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे इस पार्ट के 50 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, इनमें से सिर्फ दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर मेरे पास नहीं थे, तो आप उन आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखें, और लास्ट पार्ट से एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था चुनाव आयोग से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, तो दोस्तों इलेक्शन की जो नोटिफिकेशन है, इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी करते हैं प्रेजिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट जारी करते हैं, इनिशिएट आपका चुनाव आयोग करता है, इनिशिएट मतलब बना के इनिशिएट करके चुनाव आयोग देगा, लेकिन उसको नोटिफाई करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, तो वो आपने क्वेश्चन एक बार रिव्यू कर लेना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।